यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई, प्लीज यार मेरे भी वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए प्लीज भाई। मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। दिल से बुरा लगता है भाई, ये वही लाइन है जिसने देवराज को रातों रात मशहूर कर दिया था। दरअसल अपने एक वीडियो में देवराज ने कहा था, जब लोग उनके वीडियो पर नेगेटिव कमेंट करते हैं तो दिल से बुरा लगता है। और देखते ही देखते अपने टैलेंट के दम पर देवराज कॉमेडी वीडियोस के लिए मशहूर हो गए। कॉमेडी वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर देवराज आज हमारे बीच में नहीं है। तेज रफ्तार ट्रक ने देवराज पटेल की बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में देवराज पटेल की मौत हो गई। महज 22 साल की उम्र में ही दुनिया से विदा लेने वाले देवराज की इस खबर को जिसने भी सुना वो सचमुच कह रहा है, दिल से बुरा लगा भाई। देवराज छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के दाबवाली गांव के रहने वाले थे। देवराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता घनश्याम पटेल किसान थे और उनकी मां घर संभालती थी। देवराज को बचपन से ही एक्टिंग और कॉमेडी का शौक था, लेकिन कॉमेडियन बनने के लिए कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके पास वीडियो बनाने के लिए स्मार्टफोन तक नहीं था। उन्होंने एक सेकंड हैंड फोन खरीद कर वीडियोस बनाना शुरू किया था। शुरुआत में हताशा हाथ लगी, लेकिन दिल से बुरा लगता है भाई डायलॉग ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। देवराज वीडियो बनाने के साथ ही बीए की पढ़ाई भी कर रहे थे। देवराज का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम भी दिल से बुरा लगता है। इस चैनल पर अब तक वो 108 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और उनके 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। देवराज अपने कॉमेडी कंटेंट के लिए जाने जाते थे, उनके वीडियो पर मिलियन व्यूज आते थे। देव के इंस्टाग्राम पर 55,900 फॉलोअर्स हैं। देवराज पटेल ने कई सारे वीडियो बनाए और कई सारे कॉमेडियन के साथ भी काम किया था। साल 2021 में देवराज यूट्यूबर भुवन बाम के साथ वेब सीरीज ढिंडोरा में नजर आए थे। देवराज छत्तीसगढ़ सरकार की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी काम कर रहे थे, जिसके चलते देवराज की मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हुई थी। भूपेश बघेल के साथ भी देवराज ने पिछले साल एक वीडियो बनाया था। वीडियो में देवराज कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में दो ही चीजें फेमस है, एक मैं और एक मोर काका। इसके बाद सीएम भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए थे। मौत से कुछ घंटों पहले ही देवराज ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, लेकिन किसे पता था कि ये उनका आखिरी वीडियो बन जाएगा। फैंस उनका आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।